की घटना के बाद निषेध करते हुए स्थानीय सांसद हेमंत पाटिल ने सरकारी अस्पताल के अधिष्ठाता के साथ अपमानजनक सुलूक किया है, जिसका विरोध करते हुए महाराष्ट्र स्थानीय डॉक्टर संगठना AMI और UG स्टूडेंट संगठना के तत्वावधान से भव्य निषेध व्यक्त किया गया। दरअसल डॉक्टर शंकरराव चव्हाण सरकारी अस्पताल में निरंतर हो रही मौतों के कारण पूरे राज्य में संताप की स्थिति है, लेकिन इस बीच नांदेड़ के स्थानीय सांसद हेमंत पाटिल ने अधिष्ठाता का अपमान करते हुए उन्हें शौचालय साफ करने लगाया, जिसके खिलाफ सभी डॉक्टर संगठनाएं विरोध व्यक्त कर रही है। इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र स्थानीय डॉक्टर संगठना AMI और UG स्टूडेंट संगठना के तत्वावधान से नागपुर स्थित सरकारी मेडिकल अस्पताल में भव्य निषेध व्यक्त किया गया, जहां संतप्त प्रतिक्रिया देते हुए इंटर्न संगठना के महाराष्ट्र महासचिव डॉक्टर गौरव सुरेखा ने कहा कि नांदेड़ की जो घटना हुई काफी दुर्दैवी थी, लेकिन मामले की उचित जांच करते हुए दोषियों को सजा देनी चाहिए, लेकिन सांसद हेमंत पाटिल ने जिस प्रकार से डीन के साथ गैर व्यवहार किया वह काफी संतापजनक बात है, जिस बात पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर गौरव सुरेखा है, मैं इंटर्न संगठना का जनरल सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र का। नांदेड़ में जो दो दिन पहले घटना घटी है वह बेहद शर्मनाक घटना है, क्योंकि वहां पे जो भी मौत हुई है, मौत का कारण जो भी था उसके बारे में इंक्वायरी बैठनी चाहिए थी और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन अपने आपका पॉलिटिकल एक स्टंट करने के लिए वहां के खासदार ने क्या डिसाइड किया कि वहां जाके 25-30 लोग ले जाए गए और वहां के डीन को धमकाया गया, डीन को धमकाया गया, उससे जबरन टॉयलेट साफ कराया गया। आप ये बात समझिए कि डीन एक इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, जहां पर कम से एकेडमिक पोस्ट है, जहां पर बहुत एजुकेशन लेने के बाद 25 से 30 साल अपनी सर्विस देने के बाद तक आदमी वहां पहुंचता है, हम उसे एक सुपर क्लास वन ऑफिसर की पोस्ट कहते हैं। वो इंस्टीट्यूशन में करीबन 2,000 से 2,500 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लोकल गार्डियन डीन होते हैं। आप लोकल गार्डियन का मतलब ये समझ लीजिए कि वो उनके माँ बाप की तरह एक्ट करते हैं। तो अगर हमारे घर में घुसकर हमारे माँ बाप के साथ कोई ऐसा करता है तो ये बेहद शर्मनाक बात है और हमारा गुस्सा होना लाजमी है। तो हमारे गार्डियन के साथ अगर कोई ये कर सकता है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक नॉर्मल जो रेसिडेंट पोस्टेड है, जो इंटर्न पोस्टेड है, जो मेडिकल स्टूडेंट है, उनके साथ करने के लिए उनकी हिम्मत कितनी बढ़ चुकी होगी। तो हमारा यही कहना है कि खासदार ने बाहर आकर सामाजिक एक अपोलॉजी मांग एक माफी पत्र देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ डीन सर का ही नहीं तो पूरे मेडिकल कम्युनिटी का यहाँ पे मेंटल टॉर्चर हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी संख्या में लोग जमा हुए, ये जमा इसीलिए हुए क्योंकि सबको बहुत बुरा लगा है और सबका सर शर्म से नीचे झुका हुआ है। हमारा यही मांगनी है कि उन्होंने आके माफी मांगनी चाहिए सबसे, और सरकार ने ऐसा कुछ आगे ना हो इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन और कठोर किए जाएंगे और आगे जाके सर्विसेज विड्रॉ भी करनी पड़ सकती है हमें। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।